हेलो एवरीवन, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड फ्लूइड स्टैटिक. ओके, करेंटली वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. एज यू नो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोस्टैटिक और स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट, एट रेस्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन. सो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट वाला पार्ट जो है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. Also, we have solved the numericals based on that in the last lecture. Okay. Now, from today's lecture onwards, we are studying fluid dynamics or hydrodynamics or study of fluid in motion. Okay. So, let's start. So, first of all, I have written the definitions and the basic terminologies of fluid dynamics, which are very much essential to understand the fluid in motion. Okay. So first definition in front of you is fluid dynamics or hydrodynamics, the branch of physics which deals with the study of properties of fluid in motion is called as hydrodynamics. हमने अभी से पहले क्या पढ़ा था? Fluid statics. हमने अब तक जितना पढ़ा था उसमें हमने fluid को rest पे माना था कि fluid is at rest. Surface tension कहाँ पे हम देखते हैं? जब fluid rest पे होता है. ओके, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सब हमने उसी वक्त स्टडी किया जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है, फ्लूइड मूव नहीं होता. लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा फ्लूइड मूव होगा. फ्लूइड विल बी मूविंग थ्रू अ पाइप, इट कैन बी मूविंग थ्रू अ रिवर, इट कैन बी मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस. सो वेरियस केसेस आर गोइंग टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड को मोशन में पढ़ने की क्या जरूरत है? देर आर वेरियस एप्लीकेशंस, ओके, विच आर गोइंग टू कम इन दिस चैप्टर ओनली. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द एरोप्लेन. एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, हवा में कैसे उड़ता है, वो दैट इज बेस्ड ऑन फ्लूइड डायनामिक्स ओनली. वो लैंडिंग कैसे करता है, बेस्ड ऑन फ्लूइड डायनामिक्स ओनली. आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसमें इन स्विंग और आउट स्विंग होती है. वो कैसे होती है, बॉल कैसे अपना मोशन, अपना प्लेन ऑफ मोशन चेंज करता है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लूइड डायनामिक्स ओनली. आपने देखा होगा कि जो स्पिन बॉल होता है, अगर कोई बॉल को आप घूमते हुए फेंकोगे, स्पिन करते हुए अगर आपने थ्रो किया हुआ है, तो वो भी अपना प्लेन ऑफ मोशन चेंज करता है. कैसे करता है? फ्लूइड डायनामिक्स. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा. इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है. ओके, सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू स्टडी द फ्लूइड डायनामिक्स. प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस हमारा जो 12th का पोर्शन था, उसमें फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक वाला पार्ट था, वो भी बहुत थोड़ा. लेकिन अभी उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स डाला है. ओके, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग एज वेल. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फ्लूइड डायनामिक्स विच आर रिटन ओवर हियर, आउट ऑफ विच द फर्स्ट इज स्टेडी फ्लो. अगर आपको पता होगा तो मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टार्ट में हमने इसको पढ़ चुके ऑलरेडी. स्टेडी फ्लो क्या होता है? द फ्लो इन विच प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट ओवर अ टाइम. वो फ्लो जिसमें किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड का प्रेशर ये कॉन्स्टेंट हो. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने अभी किसी पॉइंट पर प्रेशर और वेलोसिटी मेजर किया, आपको कुछ वैल्यू मिली, फिर आपने 5 सेकंड के बाद उसी पॉइंट पर प्रेशर और वेलोसिटी मेजर किया और आपको वैल्यू सेम मिली, उसका क्या मतलब हुआ? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर चेंज नहीं हुआ. तो अगर फ्लो ऐसा है कि जहां पर किसी पॉइंट पर फ्लो की वेलोसिटी और प्रेशर चेंज नहीं होता, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो. ठीक है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्लो लाइन. फ्लो लाइन क्या होता है? पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड. एक फ्लूइड मूव कर रहा है तो उस मूविंग फ्लूइड के अंदर अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर करें तो हर पार्टिकल का जो पाथ है, वो पाथ जिसको फॉलो करके वो चल रहा है, द पाथ ऑन विच इट इज गोइंग, दैट पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन. कन्फ्यूज मत होना, फ्लो लाइन किसे कहेंगे? अगर हम फ्लूइड को इस तरह माने कि ये फ्लूइड हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, तो हर पार्टिकल का वो पाथ जिस पर वो पार्टिकल जा रहा है फ्लो में, दैट पाथ, वो रास्ता, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन. ऑब्वियसली फ्लूइड जब मूव होगा तो आपको किसी पार्टिकल का पाथ दिखेगा नहीं, ये इमेजिनरी एक कंसेप्ट है फ्लो लाइन. और ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी क्यों है, लाने की जरूरत क्या पड़ी, इमेजिनरी है तो आगे हम देखेंगे, इसकी जरूरत है इसीलिए हम लाए हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन किसे कहेंगे? सुनिए, अ कर्व
whose tangent at any point gives direction of velocity of fluid at that point. देखे कहना क्या चाहता है, एक ऐसा कर्व कि उस कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगा दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन में फर्क है। फ्लो लाइन क्या बताता है, फ्लो लाइन वो पाथ दिखाता है जिस पाथ पर कोई पार्टिकल जाता है। स्ट्रीम लाइन क्या दिखाता है, स्ट्रीम लाइन वो कर्व है। अब वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। वो कर्व है कि जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, दैट टेंजेंट विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ, दैट टेंजेंट एट पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन में कंफ्यूज मत होना। फ्लो लाइन क्या देती है, वो पार्टिकल का रास्ता, वो पाथ जिस पर पार्टिकल गया है। स्ट्रीम लाइन क्या बताती है, ऐसा कर्व कि जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को बताएगा। ठीक है, पार्टिकल को नहीं, लाइक इन फ्लो लाइन। ओके, नाउ कम टू द फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब, ट्यूब किसे कहते हैं, ट्यूब मतलब एक गोल स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, वही कॉन्सेप्ट यहां है, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल। अगर मैं बहुत सारे फ्लो लाइन, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, बहुत सारे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन करूं और उन सबकी फ्लो लाइंस जो है, उन सबका वो पाथ जिस पर वो पार्टिकल जा रहे हैं फ्लूइड जब मोशन में हो उस वक्त, अगर मैं ये सारी फ्लो लाइंस को कंबाइन करूं एक इमेजिनरी वॉल के जरिए, उनको मैं बाइंड कर दूं, तो ये जो चीज मुझे मिलेगी दैट थिंग इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। आर यू गेटिंग, सो फ्लो ट्यूब किसे कहेंगे, इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस के बहुत सारी फ्लो लाइंस है, उसको आप बाइंड कर दो तो वो जो इमेजिनरी बंडल है, यानी फिजिकली ऐसा फ्लूइड में आपको कुछ बंडल, कुछ ट्यूब ऐसा दिखेगा नहीं, वो इमेजिनरी फ्लो लाइंस है जिसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने स्टडी करने के लिए हमने कंसिडर किया है। सो फ्लो ट्यूब आर द बंडल ऑफ इमेजिनरी फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल, यानी हम उस फ्लो ट्यूब की एक इमेजिनरी वॉल को कंसिडर करेंगे और उस वॉल के अंदर बहुत सारी क्या है, फ्लो लाइंस है। तो अगर हमारा फ्लो स्टडी है तो स्टडी फ्लो के अंदर एक फ्लो ट्यूब के जो पार्टिकल है वो दूसरी फ्लो ट्यूब जो उसके एडजेसेंट हो, उसके बाजू में हो, उससे मिक्सअप नहीं हो सकते। ओके, तो फ्लो ट्यूब अगर मैं ड्रॉ करूं तो फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए कि हियर आई एम हैविंग सम स्ट्रक्चर लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये एक पाइप है, या एक, इसको एक पाइप मान लो। इसका एरिया यहां पर ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है। एंड लेट्स से The fluid is going from here to here. This is direction of motion of fluid. तो यहां से बहुत सारी फ्लो लाइन जाएगी क्योंकि यह बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी फ्लो लाइन जाएगी लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक दिस मैनी फ्लो लाइन्स विल बी गोइंग। ओके, सो दीज आर फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स क्या है, पार्टिकल का पाथ। ओके, मैंने क्या किया, बहुत सारी फ्लो लाइंस को कंबाइन करके एक इमेजिनरी वॉल से बांध दिया। नाउ दिस इज फ्लो ट्यूब, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लो ट्यूब। तो अगर एक फ्लूइड को हम स्टडी करें तो फ्लूइड में बहुत सारी फ्लो ट्यूब्स हो सकती है। ओके, अलग 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 स्ट्रीम लाइंस, फ्लो लाइंस को आप बाउंड कर दो, बाइंड कर दो, और उन सब का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो ट्यूब। तो कहना ये चाहते हैं कि एक फ्लो ट्यूब के पार्टिकल दूसरे फ्लो ट्यूब के पार्टिकल से कंबाइन नहीं कर सकते। कब, जब हमारा फ्लो कैसा हो, स्टडी फ्लो हो, लेमिनार फ्लो हो। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ कम टू द लेमिनार एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू, एक्चुअली दिस ऑल टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दिस टू टर्मिनोलॉजीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। चलिए, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये किसे कहेंगे, स्टेडी फ्लो। लेमिनार फ्लो कैसा होता है, स्टेडी होता है। स्टेडी मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर एक पॉइंट पे हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, वो स्टेडी फ्लो के जिसमें, इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। ऐसा स्टेडी फ्लो के जिसमें फ्लूइड्स की एडजेसेंट लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव होती हो। सुनिए, फॉर एग्जाम्पल
let me draw over here. You can see, just consider I am having a flow of fluid over here. In this area I am having a flow of fluid, okay? So you can see there are various number of adjacent layers. I can divide this flow into these layers like this, and consider the flow of fluid is from here to here. It is moving from left to right, and I have divided this layer into this small layers, okay? So if this all layers, these all layers are running smoothly over each other, ये सारे के सारे लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो. आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? द स्टेडी फ्लो इन विच द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स आर रनिंग स्मूथली ओवर ईच अदर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है. टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? These adjacent layer are not running smoothly over each other, but they will be mixing over each other. Okay, so first of all, let us look at the definition. Flow at very high flow rate. The flow at very high flow rate, so that the flow pattern changes continuously and there is no steady flow. Turbulent flow वो flow होता है जो steady नहीं होता. पहली बात तो ये, it is not a steady flow. And second thing is the adjacent layer do not move over each other smoothly. So how they are going to move? The adjacent layer will be moving like this. This is the first layer, for example. This is the second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, sixth layer, seventh layer, like this. Now you can see, just compare this flow and this flow. यहां पे हमारे पास सारे लेयर स्मूथली एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब यहां पे आप देखते हो तो यहां पे बात कुछ अलग ही है. यहां पे जो फ्लूइड के लेयर्स है आप देख सकते हो, दे आर इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज दे आर नॉट रनिंग स्मूथली ओवर ईच अदर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? एक्चुअली ये बहुत फास्ट होता है. द फ्लो रेट इज वेरी हाई. फॉर एग्जाम्पल अ फ्लडेड रिवर, एक रिवर जिसमें फ्लड आ गया, तो ये फ्लडेड रिवर जो होती है, जो फ्लो होती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. तो एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख लेता हूं, एग्जाम्पल फ्लडेड रिवर. ओके, ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल इज दैट अ फास्ट रनिंग टैप. एक पानी का नल है, आपने उसको बहुत फास्ट खोल दिया है, यू हैव फुल्ली ओपनड इट. तो अब वहां उस नल में से जो फ्लो होगा, दैट फ्लो इज वॉट? टर्बुलेंट फ्लो. क्यों? बिकॉज फ्लो रेट इतना ज्यादा हाई है कि जो फ्लूइड्स के लेयर है, एडजेसेंट लेयर, दे आर नॉट मूविंग साइमल्टेनियसली एंड दे आर नॉट रनिंग स्मूथली ओवर ईच अदर, बट दे विल बी इंटरमिक्सिंग, एंड दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ टर्बुलेंट फ्लो. लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल क्या होगा? लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल होगा अ स्टेडी रिवर फ्लो. यानी रिवर का आपने जो फ्लो देखा होगा, स्टेडी फ्लो, कॉन्स्टेंट विथ टाइम, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेडी फ्लो. लेकिन अगर उसी रिवर में जब फ्लड आ जाए और फ्लो रेट इंक्रीज हो जाए और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी इंक्रीज हो जाए, तो अब वो लेमिनार फ्लो नहीं होता, बल्कि वो कैसा फ्लो बन जाएगा हमारा? टर्बुलेंट फ्लो. सो आई थिंक लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टू विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिंग्विश. हम लोग इसको देखेंगे कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है. डिस्टिंग्विश के फॉर्म में जब इसको समझेंगे तो ये बात और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. लेकिन डिस्टिंग्विश पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को पढ़ने की जरूरत क्यों है. एक्चुअली इसका ही एप्लीकेशन डायरेक्टली है स्विंग बॉलिंग में. जब एक बॉलर बॉलिंग करता है, स्विंग बॉलिंग करता है, तो स्विंग बॉलिंग में जो बॉल स्विंग होती है वो अपना प्लेन ऑफ मोशन चेंज करती है. उसके पीछे यही कहानी लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो की है. अगर आपने देखा होगा सीजन बॉल को, तो उसके दो साइड होता है. एक साइड होती है स्मूथ साइड, प्लेन साइड, और एक साइड होती है रफ साइड.
जब बॉलर बॉलिंग करता है तो आपने देखा होगा वो रब करता है बॉल को अपने पैंट पे, तो वो रबिंग से क्या होता है, जो साइड रफ होती है वो थोड़ी सी और रफ हो जाती है, और एक साइड जो होती है वो प्लेन और स्मूथ साइड होती है। तो जब आप बॉल बॉलिंग करते हो तो ये बॉल ऑब्वियसली एयर के थ्रू जाएगी, तो ये एयर रफ साइड, मान लो ये रफ साइड है और ये स्मूथ साइड है, स्मूथ साइड और रफ साइड दोनों को रब करते हुए जाएगी। अब यहाँ पे फंडामेंटल ये है कि जो स्मूथ साइड है वहाँ पे फ्लो होगा लेमिनार, और जो रफ साइड है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द फ्लो ऑफ एयर एट दिस साइड बिकम्स टर्बुलेंट। ओके, तो एक साइड फ्लो कैसा है, लेमिनार, दूसरी साइड फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट। अब जहाँ लेमिनार फ्लो है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ टर्बुलेंट फ्लो है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। नाउ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल टुवर्ड्स दिस साइड। आर यू गेटिंग मी? आपको पता होगा यूनिवर्स में कि अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो फ्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। ओके, तो लेमिनार फ्लो साइड प्रेशर ज़्यादा, टर्बुलेंट फ्लो साइड प्रेशर कम, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दिस बॉल इट इज मूविंग लीनियरली एज वेल एज इट चेंजेस इट्स मोशन लेटरली। तो लीनियर मोशन के साथ जब बॉल का लेटरल मोशन होता है इट गोज लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड अ स्विंग बॉलिंग। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। और उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन भी है जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एडवांस चीजों में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स विद अ डिस्टिंग्विश बिटवीन देम दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। So here you can see we are having two columns, streamline flow and turbulent flow. Okay, look at the first point in streamline flow. The smooth flow of a fluid with velocity smaller than critical velocity is called as streamline flow. While in turbulent flow, the irregular and unsteady flow of a fluid when its velocity increases beyond critical velocity is called as turbulent flow. You can directly say like this also. If a velocity of a fluid is less than critical velocity, then it is streamline flow. And if velocity is greater than critical velocity, then it is turbulent flow. Now here, you might be having a new term in front of you. What's that new term? That new term is critical velocity. Just see here, the smooth flow of a fluid with velocity is smaller than critical velocity. This critical velocity term is new for you. Also in turbulent flow this term is continuing, critical velocity. You can see underline word critical velocity. So critical velocity ko main baad mein explain karunga, abhi just aap itna dimag mein rakhiye ki agar speed of the flow less than critical velocity hai to use hum streamline kahenge, aur agar speed of the flow greater than critical velocity hai to hum use turbulent flow kahenge. Now come to the second point. In a streamline flow, velocity of a fluid at a given point is always constant. Correct, velocity एक given point पे fluid की हमेशा constant रहेगी, change नहीं होगी क्योंकि सारे layers एक साथ चलते हैं. Okay, ये laminar flow होता है. Turbulent flow में आ जाइए. In a turbulent flow, the velocity of fluid at any point does not remains constant. किसी भी point पे velocity constant नहीं होगी. क्यों constant नहीं होगी? क्योंकि सारे layers mix-up होते हैं. Speed of the flow बहुत fast होता है तो किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट हो, ये बात जरूरी नहीं है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पैरेलल. हमने भी उसके डायग्राम के साथ देखा, डायग्राम में समझा कि सारे के सारे लेयर्स एक साथ चलते हैं, दो लेयर्स का इंटरमिक्सिंग नहीं होता. अगर इंटरमिक्सिंग हो जाए, लेयर्स अगर मिक्स हो रहे एक दूसरे के साथ और स्पीड ज़्यादा है फ्लो की, तो अब वो लेमिनार नहीं हो सकता, अब वो टर्बुलेंट में चला जाएगा. आप देखिए टर्बुलेंट का थर्ड पॉइंट. इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट फ्लूइड में हैव रोटेशनल मोशन विच गिव्स राइज टू एडीज. एडीज का मतलब होता है रोटेशनल मोशन. मीन्स यू कैन सी एडीज मीन्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. हियर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रोटेशनल फ्लो विल बी हैविंग. ओके, लेकिन लेमिनार फ्लो में सारे के सारे फ्लूइड लेयर स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएंगे और यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन होगा. एडीज मतलब this kind of rotational things are going to happen in the flow. Okay, now come to the last point. Streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into a number of plane layers. Okay, streamline flow हमने अभी draw करके देखा
ये सारे के सारे जो लेयर्स होते हैं इन्हें हम इक्वल लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन है, फ्लो पैरेलल है, सारे के सारे स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो उसको हम नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और ये सारे के सारे स्ट्रीमलाइंस कैसे होंगे, ये किसी भी ट्यूब की एक्सिस के पैरेलल होंगे, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता। अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो टर्बुलेंट फ्लो में सारे के सारे फ्लो ट्यूब्स एक साथ मूव करें, पैरेलल रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक फ्लो ट्यूब के फ्लूड के पार्टिकल्स दूसरी फ्लो ट्यूब के फ्लूड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स भी हो सकते हैं। ओके, तो फ्लो ट्यूब उसका ऑर्डर और उसके पार्टिकल उसकी जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए फ्लो ट्यूब का जो शेप है वो कांस्टेंट नहीं होता, इट कैन बी चेंज। सो दिस इज द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो जस्ट नाउ यू सॉ अ टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड डेफिनेशन। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। जब भी किसी फ्लूइड में मोशन होता है और फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी कोई स्पीड होगी ऑब्वियसली। इफ दैट स्पीड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर वो स्पीड बढ़ जाए तो अब वो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन नहीं होता, अब वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो वी आर हैविंग एक्सप्रेशन क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू आर सफिक्स एन मल्टीप्लाइड विथ ईटा डिवाइड बाय रो इंटू डी। अब ये बहुत सारे नए टर्म्स आपके सामने हैं, घबराइए मत, मैं सबका डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। आर एन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, वॉट इज वी सी, ऑब्वियसली वी सी इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, वॉट इज वी सी, इट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। वॉट इज आर एन, आर एन इज योर रेनॉल्ड्स नंबर। आर एन क्या है हमारा, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर मैं अभी बताऊंगा, पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ईटा आ रहा है, दिस इज सिंबॉल इज कॉल्ड एज ईटा, ई टी ए, ग्रीक सिंबॉल इज दिस। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस ईटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन वी आर हैविंग रो, ऑब्वियसली रो आप जानते हो, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, एंड वी आर हैविंग डी, that d indicates diameter of pipe, यानी एक पाइप है, मान लेते एक पाइप है और उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पाइप का जो डायमीटर होगा, this d indicates that diameter. So rn रेनॉल्ड्स नंबर, eta coefficient of viscosity, rho density of the fluid and d is the diameter of the pipe. ओके, नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ VC? ऑब्वियसली ये VC हमारा डिनोट कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी को, सो इट विल हैव द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो देखिए, इस फॉर्मूले से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं अलग से रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, रेनॉल्ड्स नंबर अलग से मैंने हेडिंग डाल दिया है यहां पे। आप देखिए, अगर मैं यहां से आरएन की वैल्यू फाइंड करूं तो आरएन विल बी इक्वल टू वीसी इनटू रो डी, वीसी मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर एंड डिवाइड बाय ईटा। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, करेक्ट ना? ओके, तो सर ये रेनॉल्ड्स नंबर अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, सो जस्ट टेल मी, अगर ये न्यूमेरेटर के तीनों टर्म्स का अगर मैं यूनिट फाइंड करूं तो यूनिट क्या मिलेगा मुझे? अगर आप इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आपको मिलेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑल्सो अगर आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग अभी देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद, तो वहां पे डिटेल में आ जाएगा। अभी खाली आप याद रखिए कि इस सिंबल को हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट सेम हो गया, तो ऑब्वियसली अगर इसका यूनिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है सो दिस क्वांटिटी विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है ये? यूनिटलेस। अगर ये क्वांटिटी यूनिटलेस है तो ऑब्वियसली इसका कोई डायमेंशन हो सकता है क्या? इट विल बी डायमेंशनलेस। सो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं द यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, तो यूनिट अगर आपको पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए दिस इज यूनिटलेस। अगर आपको डायमेंशन पूछेगा तो ये भी पता होना चाहिए इट इज डायमेंशनलेस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये समझते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, अगर एक कहीं फ्लो हो रहा है किसी पाइप में और उस पाइप में फ्लो जब हो रहा था हमने इस फॉर्मूले से रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड किया, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 1000 है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है तो हमारा जो फ्लो होगा दैट फ्लो विल बी स्ट्रीम लाइन फ्लो। फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, और अगर वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1000 हो जाए योर फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। कैसा फ्लो हो जाएगा वो? टर्बुलेंट फ्लो। याद रहेगा ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। पूछ सकता है आपको, तो इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1000 फ्लो इज टर्बुलेंट। तो ये भी आप डिस्टिंग्विश के अंदर ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को भी। अच्छा, अगर ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, अगर वो 1000 से ज्यादा हो और 2000 से कम हो, देखो अगर 1000 से कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर 1000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, लेकिन अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो अब ये हमारा जो फ्लो हो जाएगा दिस फ्लो विल बी अनस्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो होगा ये? अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो मीन्स नाउ एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू योर फ्लो फ्लूइड फ्लो इट चेंजेस फ्रॉम द फ्लो ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट। ओके, सो द फ्लो चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीम लाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। सो दीज आर द केसेस एंड कंडीशंस फॉर विच वी हैव टू स्टडी द रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जब भी पूछेगा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, और ये तीनों केसेस लेस देन 1000, ग्रेटर देन 1000 एंड इन बिटवीन 1000 एंड 2000। So this was all about critical velocity and Reynolds number, that is section 2.6 of your textbook. So pause karo, screen ko copy karo, hum aage badhte hain. So our next topic is viscosity. Okay, it is very interesting. First of all let us understand definition. It is the property of the fluid by virtue of which the relative motion between adjacent layer of fluid experience a dragging force. विस्कोसिटी किसे कहते हैं? इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ विच द फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर एंड अ हनी। ओके, यू आर हैविंग वाटर एंड हनी। आपने क्या किया, इन दोनों को एक सिंपल ग्लास पे, यू टेक जस्ट ग्लास and drop the water and a honey, a drop of water and a drop of honey on a glass plate. अब क्या होगा? Obviously, जब glass plate पे आप दोनों को डालोगे तो दोनों flow करेंगे. Okay, but who will flow the fast? Obviously, the water flows fast. What about honey? It will also flow, but velocity of the flow of honey will be very much less than the velocity of the water. क्यों ऐसा? इसके flow में और इसके फ्लो में क्या हो रहा है? देखिए जो वाटर है इसके केस में जो विस्कोसिटी है वाटर की वो कम है और उसी वजह से ड्रैगिंग फोर्स कम है, और जो हनी है वहां पे विस्कोसिटी जो है उसकी ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ विच द ड्रैगिंग फोर्स इज मोर। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज विस्कोसिटी? सो विस्कोसिटी बेसिकली होता क्यों है? एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड में फ्रिक्शन क्यों आता है, ड्रैगिंग फोर्स क्यों आता है, वो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हियर जस्ट टेक
a fluid is flowing from here to here and here we are having adjacent layers of the fluid. Okay, यहाँ पे adjacent layers है fluid के. अब ये stationary, मान लेते हैं ये stationary glass plate है और इसके ऊपर honey flow हो रहा है, तो ये जो layer जो इस ground के साथ stationary layer के साथ touch है, जब ये flow करेगा तो इसके flow में because of this glass there will be friction here. ये जो point of contact है यहाँ पे क्या होगा? Friction. Okay? Now, एक तो friction यहाँ पे है, दूसरा friction between adjacent layer. ये जो layer है इसकी speed obviously कम होगी क्योंकि ये इसके साथ contact में है और because of friction इसकी speed कम होगी. जब इसकी speed कम होगी तो ये इसकी speed को कम करेगा. Why? Because these two layers are in contact and there will be also friction between these two adjacent layers. तो एक friction ground पे और दूसरा friction between adjacent layers. अब ये adjacent layer के बीच में friction क्यों आ रहा है? हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे एक molecule है और यहाँ पे दूसरा molecule है, अगर दोनों molecular range के अंदर है तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में cohesive force होगा and because of that cohesive force between two molecules there will be friction between two adjacent layers. Also because of adhesive force between this honey and this layer there will be friction also at the ground. So because of friction due to external agent and friction due to intermolecular forces, friction between two layers, there will be a dragging force. Okay, और उसी dragging force को हम लोगों ने एक और नाम दिया है. This dragging force is also called as viscous drag. क्या कहते हैं हम लोग इसको? Viscous drag. So did you get this? What is viscosity? जब भी कोई fluid flow होता है तो उस flow of fluid के adjacent layers के बीच में friction होता है. Due to that friction the fluid experiences a dragging force and that is called as viscosity. वो fluid की इस property को हम क्या कहते हैं? Viscosity. तो water का भी कुछ viscosity होता है, honey का भी कुछ viscosity है, mercury का भी कुछ viscosity है. तो दुनिया के अंदर जितने fluids है सबका कुछ ना कुछ viscosity है. But there are some fluids also which do not have any dragging force between adjacent layers. और ऐसे fluid जिनके पास विस्कोसिटी का कोई प्रॉपर्टी शो करने के लिए कुछ नहीं होता, जिनके एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं होता, ऐसे फ्लुइड्स को हम कहते हैं नॉन विस्कस फ्लुइड्स. तो यहां पे मैं दो कॉलम में इन दोनों फ्लुइड्स के बारे में कुछ लिखने जा रहा हूं, आप यहां पे ध्यान से सुने. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा विस्कस फ्लुइड्स जो विस्कोसिटी को शो करते हैं, जिनमें ड्रैगिंग फोर्स विस्कस ड्रैग होता है, और एक वो फ्लुइड्स जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन विस्कस फ्लुइड्स. अब जो विस्कस फ्लुइड्स से पहले उनको देख लेते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेयर है, ये ग्राउंड लेयर है जो कि फिक्स्ड लेयर है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेशनरी लेयर. इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? स्टेशनरी लेयर. अब यहां पे मान लो इस लेयर में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो मान लेते हैं यहां पे सेंटर में कोई लेयर होगा, करेक्ट? अच्छा, जैसे जैसे हम ग्राउंड के पास जाएंगे, जो लेयर ग्राउंड के साथ टच है उसकी स्पीड कैसी होगी? सबसे कम. तो हम लोग यहां पे जो लेयर कंसीडर करेंगे उसका स्पीड सबसे कम होगा, उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो लेयर होगा उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसके जस्ट ऊपर जो लेयर होगा उसका स्पीड और ज्यादा होगा. एंड मान लेते ये सेंट्रल लेयर है, ये कौन सा लेयर है? सेंट्रल लेयर. जो सेंट्रल लेयर होगा, सेंट्रल लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा. जैसे ही आप सेंट्रल लेयर से ऊपर जाएंगे यहां पे और कम हो जाएगा, यहां पे और कम हो जाएगा, और ऊपर जैसे जैसे आप जाते रहोगे फ्लूइड का जो स्पीड होगा, फ्लूइड के लेयर्स का जो स्पीड होगा वो कम होता जाएगा. तो सबसे ज्यादा द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लो विल बी वेयर? इट विल बी एट द सेंट्रल लेयर. तो सेंट्रल लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे आप ग्राउंड के करीब जाते रहोगे, स्टेशनरी लेयर के पास जाते रहोगे, तो फ्लो का जो स्पीड होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग. ओके, ये किस केस में होगा? विस्कस फ्लूइड में. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये स्टेशनरी लेयर है, ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को रोकेगा, ये फिर इसकी स्पीड को रोकेगा, ये इसकी स्पीड को रोकेगा, और ये जो लेयर है ये बीच में है, सेंटर में है, ये इससे दूर सेंटर में है, यहां पे जो विस्कस, यहां पे जो ड्रैग है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू लेयर्स.
तो यहाँ पे मिनिमम ड्रैग होगा और ये सेंट्रल लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? विस्कस फ्लूइड में। अच्छा, विस्कस फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? जो भी फ्लूइड्स आप रोज़ देखते हो, वाटर है, हनी है, मर्क्यूरी है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो फ्लूइड्स आप देखते हो रोज, दीज आर विस्कस फ्लूइड्स। अब बात करते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड्स की। तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स को भी डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्टेशनरी लेयर है, ग्राउंड लेयर ये बोल दो इसको, या स्टेशनरी लेयर बोल दो। दिस इज वॉट स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर के ऊपर अगर नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो होगा तो अब इसमें तो विस्कस ड्रैग होता नहीं है, ड्रैगिंग फोर्स होता नहीं है, तो उसमें क्या होगा? ये जितने लेयर्स है, इन सारे के सारे लेयर्स की जो स्पीड होगी, दैट विल बी सेम थ्रू आउट। द स्पीड ऑफ द लेयर्स विल बी सेम थ्रू आउट एंड देर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। द स्पीड ऑफ द एडजेसेंट लेयर्स विल बी सेम। तो ऐसा किस में होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड्स में। अब आप बोलेंगे सर वो कौन सा फ्लूइड है ऐसा जो नॉन विस्कस फ्लूइड है? ओके, तो ऐसा सिर्फ एक ही फ्लूइड है जो कि ऑलमोस्ट नॉन विस्कस है। याद रखना, मैं जिसका एग्जांपल अभी देने वाला हूं, दैट इज ऑलमोस्ट नॉन विस्कस, यानी विस्कोसिटी थोड़ा बहुत तो उसके अंदर होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वी विल बी सेइंग इट एज ऑलमोस्ट नॉन विस्कस। और कौन है वो? दैट इज योर लिक्विड हीलियम। हीलियम अगर देखा जाए तो एक गैस है, रूम टेम्परेचर पे एक गैस में होता है, लेकिन अगर ये लिक्विड हीलियम को मैं 2 केल्विन टेम्परेचर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड हीलियम एट 2 केल्विन, याद रखना लिक्विड हीलियम एट 2 केल्विन, दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इफ इट इज फ्लोइंग ओवर ए स्टेशनरी लेयर, दिस फ्लूइड विल बी शोइंग ऑलमोस्ट नॉन विस्कस प्रॉपर्टी। So I hope it is very much clear about viscosity. So it is a property of the fluid by virtue of which what happens? The relative motion between the adjacent layers of the fluid experience a dragging force. Us dragging force ko kya kaha humne, kya naam diya? Viscous drag. Fir humne dekha ke viscous fluids bhi hote hain, non-viscous fluids bhi होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो विस्कस ड्रैग होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है, क्या हम उस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, उस ड्रैगिंग फोर्स को, उस विस्कस ड्रैग को फाइंड कर सकते हैं? यस वी कैन फाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कॉपी ऑल दिस, वी मूव फर्दर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? टू मेजर द ड्रैगिंग फोर्स बेसिकली। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है ये लॉ? सुनिए, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वी आर डीलिंग विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ओके, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो के साथ डील करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट होता है बेसिकली। अगर आप देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो के साथ डील करने के लिए फिर हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की जरूरत है। सो वी विल बी डीलिंग विद अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्टिंग on any layer of the fluid is directly proportional to the area of the layer and velocity gradient. ये जो viscous force होता है, it is directly proportional to two things. First thing is area of the layer. So let me mark. First thing is area of the layer and the second thing is velocity gradient. अब area of the layer तो आप पता कर सकते हो, area of the layer क्या होता है आपको पता ही है। The new thing is velocity gradient. सर ये velocity gradient क्या है? सुनिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं? एक्चुअली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। अभी यहां पे सुनिए, ये जो नीचे वाला लेयर है, मान लेते कि स्टेशनरी लेयर है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिस इज स्टेशनरी लेयर। एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज वी, एंड लेट अस कंसिडर दिस लेयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। Okay, if the velocity of this layer is v, then the velocity of this adjacent layer, which is below this layer, let us take it as v minus dv. अगर इसका velocity v है और हम viscous fluid की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो नीचे वाला layer होगा उसकी speed थोड़ी कम होगी। हमने क्या माना? उसकी speed है v minus dv, और जो ऊपर वाला है उसकी speed मान लेते हैं v plus dv है। ठीक है, जो नीचे वाला layer है
जिसकी स्पीड v माइनस dv है, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x माइनस dx, क्योंकि ये x से कम होगा, और जो ऊपर वाला लेयर है हम मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है, सॉरी उसका डिस्टेंस कितना है, लेट अस कंसीडर एज x प्लस dx, जिसकी स्पीड v प्लस dv है उसका डिस्टेंस कितना x प्लस dx, जिसकी स्पीड v है जिस लेयर की उसका डिस्टेंस कितना x, एंड जिसकी स्पीड v माइनस dv है उसका डिस्टेंस कितना x माइनस dx। हमने डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। ये इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट समझा सकूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डीवी, करेक्ट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड जिसको हम dx कह सकते हैं, कहां से मेजर किया, फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। अब इसको मैथमेटिकली कैसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dx। इस टर्म का नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया आपको, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट योर dv बाय dx, याद रखना, भूलना मत। और एरिया ऑफ द लेयर को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, a से, ठीक है। नाउ कम टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये लॉ क्या कहता है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर, लेट अस डिनोट दैट फोर्स बाय f, द विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय f। सो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज एरिया a, एंड द सेकेंड थिंग इज वॉट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाय dx। अब आपको पता है अगर मैं इस साइन को हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी की, तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और वही कॉन्स्टेंट जिसे हम ईटा कहते हैं, दिस कॉन्स्टेंट कम्स हियर, एंड द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहां पे एरिया आ जाएगा, और यहां पे dv बाय dx आ जाएगा। आप बात समझ गए। सो दिस कॉन्स्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस कॉन्स्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले से ईटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, अगर हम फाइंड करें तो ईटा विल बी इक्वल टू फोर्स एफ डिवाइड बाय एरिया, दिस एरिया विल गो इन डिनोमिनेटर, ऑल्सो दिस डीवी बाय डीएक्स ऑल्सो गोज इन डिनोमिनेटर। सो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। अच्छा, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर, और यहां के डिनोमिनेटर में सेकंड बचा, ये सेकंड चले जाएगा ऊपर, और फाइनली यूनिट मिलेगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो हमको यूनिट मिली, ये यूनिट कौन सी है, SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। अच्छा, CGS यूनिट क्या होगी, देखिए CGS में जो न्यूटन है वो बन जाएगा डाइम, सेकंड ही रहेगा, और मीटर स्क्वायर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन 10^5 डाइन, 1 मीटर स्क्वायर 10^4 सेंटीमीटर, 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा 10, करेक्ट। सो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंबाइंडली कॉल्ड एज पॉइस। क्या कहते हैं हम इसको, पॉइस। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ये SI यूनिट है, और ये हमारा CGS यूनिट है। अगर हम कन्वर्जन की बात करें, सो आई कैन राइट ओवर हियर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10 पॉइस।
इसको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, पॉइस। अच्छा इसको भी आपको याद होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या ये प्रेशर की यूनिट है? और प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। तो इसीलिए आपको कभी कभार किसी बुक्स के अंदर आपको इसकी यूनिट ऐसा भी मिल सकती है, 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, वो पास्कल, क्या लिखेंगे, पास्कल, और सेकंड एज इट इज रहेगा। सो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या क्या मिला हमको, 1 पास्कल सेकंड, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट की बात करें तो 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पॉइस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर एसआई यूनिट्स एंड दीज आर सीजीएस यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन भी आप इससे फाइंड कर सकते हो, न्यूटन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t^2 -2, सेकंड का क्या होता है, t^1, और मीटर स्क्वायर क्या क्या होता है, l^2। ठीक है, तो डायमेंशन निकाल लेंगे आप। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट, क्या ये विस्कोसिटी फ्लूइड की हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ये बात सोचने वाली है। तो एक बात याद रखिए, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर का विस्कोसिटी मान लो रूम टेम्परेचर पे एक्स है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे अगर उसका, तो अब वो विस्कोसिटी उतनी नहीं रहेगी, बल्कि उसकी विस्कोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, कितना डिफरेंस आएगा ये समझते हैं। तो देखो मैं ये सब को रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर ले। सपोज वी आर हैविंग फ्लूइड्स, लेट मी राइट लिक्विड्स, और यहां पे मैं लिखता हूं गैसेस। इन केस ऑफ लिक्विड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है, मैं इसको डायरेक्टली विस्कोसिटी बोल रहा हूं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों ऐसा, जब टेम्परेचर आप उसका बढ़ाओगे लिक्विड का, तो जब लिक्विड को हीट करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल्स विल इंक्रीज। व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज, एंड सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज इंक्रीज, द कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल बी रिड्यूस, सिंस कोहेसिव फोर्स इज रिड्यूस एंड दैट इज वाई द विस्कोसिटी विल डिक्रीज। बट वॉट इन केस ऑफ गैसेस, अगर मैं गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो इसका जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल जो पहले ही दूर दूर है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कॉमन सेंस कहता है कि उनका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द ड्रैग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। सो यू शुड रिमेंबर, इन केस ऑफ लिक्विड्स इंक्रीज इन टेम्परेचर increases decreases viscosity, in case of gases increase in temperature increases viscosity। यह आपको याद रखना है, कहीं भी MCQ में या 1 mark question में कहीं भी आपको objective में पूछ सकता है। So screen को आप pause कीजिए, ये सारी चीज़ें copy कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। The next topic is Stokes law, that is section 2.7. So what does this law states? The viscous force acting on a small sphere while falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, also it is directly proportional to the velocity through the fluid and the coefficient of viscosity of the fluid। क्या मतलब, अगर कोई small sphere है वो किसी viscous medium में fall कर रहा है, for example एक sphere ले लो metal का, और वो water के अंदर fall कर रहा है, water के अंदर वो नीचे जा रहा है, तो water हमारा viscous medium है, correct ना, और वो जो मेटल बॉल है कंसिडर कर लो उसका रेडियस बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, सो द विस्कस फोर्स जो उस बॉल पे, उस स्फीयर पे लगेगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है पहली चीज, और दूसरा द रेडियस ऑफ द बॉल, उस स्फीयर का रेडियस कितना है, एंड द थर्ड थिंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो आर यू गेटिंग मी, सो अगर मैथमेटिकली इसको मैं लिखूंगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द विस्कस फोर्स FV is directly proportional to what is the first thing, proportional to the radius of the sphere, we can write r, also velocity of the ball,
and the coefficient of viscosity of the fluid which is denoted by eta. अगेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा. एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई है तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एफ वी विस्कस फोर्स एफ वी इज 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वेलोसिटी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स. ये किसका फॉर्मूला है? विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल. एफ वी क्या डिनोट करता है हमारा? विस्कस फोर्स. ओके तो ध्यान में रहेगा अगर कोई बॉल कोई स्फीयर किसी भी विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी सॉरी उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी वेर एफ वी इज विस्कस फोर्स 6 पाई इज कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट हमें कैसे पता चला? इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने कैसे डिटरमाइन की है? एक्सपेरिमेंटली. ओके वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू एक्सपेरिमेंटली. It is directly proportional to eta, coefficient of viscosity, radius of the ball and velocity of the object which is falling through the viscous medium.